हाय गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से हम पेज नंबर लगाते हैं। ये जो होते हैं ये सब पेजेस वगैरह होते हैं, और पेज नंबर जो होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए, मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये बताया था किस तरह से हम ये पेज लगाएंगे। और आप कोई भी पेज ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप फर्स्ट पेज पर आना चाहते हैं, कैसे आएंगे? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप के इस तरह से पेजेस हैं, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, यहाँ पे ये ऑफिस वगैरह का है, तो इनके सबके एक एक पेज हैं, इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। तो और ये सारे ये सॉफ्टवेयर वगैरह हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई भी नंबर नहीं है। सिर्फ मैंने इससे जो पहले वीडियो थी वो गेम में बताई थी, तो आज मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम पेज नंबर लगाते हैं। तो ये आप जाएंगे यहाँ पे और ये देखेंगे आपका, ये लास्ट में कोई पेज नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं आ रहा है। तो किस तरह से हम लगाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये ब्लॉग है आपका, इस तरह से ब्लॉग पे आप चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ जाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप पेज देख रहे होंगे सारे, तो आपका जो भी पेज हो विंडो वाला वो आप जाके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो मेरे बहुत पेज हैं, 400 समथिंग पेज है, तो ये मेरा विंडो का पेज है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ, ये मेरा विंडो का पेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जाके यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, तो ये मैंने ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है। और बिल्कुल आप लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है HTML कोड। HTML कोड में आने के बाद इस तरह से ये नंबर आप लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये रेड वाला लगाना है तो यहाँ पे आप जाएंगे और इस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी HTML तक, डॉक टाइप से लेके और HTML तक मैंने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ जो मेरा लास्ट है, तो लास्ट में आपको दिखाता हूँ, मेरा लास्ट यहाँ पर आ रहा है, ये एड लगा हुआ है इस पर, तो मैं इसको नीचे आऊँगा और ये पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, या दो पेज मुझे बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, इन सबको डिलीट कर दूँगा, ये यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं दो पेज बनाता हूँ और ये मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। और मैं इसको जाके सेव करूँगा, आपको दिखाता हूँ मेरे विंडो के ऊपर, यहाँ पे अभी कोई पेज नहीं आ रहा होगा। और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप नीचे देखेंगे दो पेज आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए 1 और 2 पेज आ गया है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहीं आ जाएगा, और यहाँ करूँगा तो ये भी यहीं आ जाएगा। तो अभी क्योंकि मैंने इसमें लिंक नहीं दिया है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको एक बार और कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लिएगा दूसरी विंडो के अंदर। और जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर दिएगा बैक। बैक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, पेज ऑरेंज कलर से हो रहा है, और यहाँ आएंगे न्यू पेज। तो मैं विंडो का पेज बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यह विंडो P1, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई भी जाके इमेज लगा देता हूँ, अभी मैं इतना पूरा बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसमें जाने के बाद कोई भी इमेज ले देता हूँ, ये बाइक की ले ली मैंने इमेज, तो ये समझ लिए मेरा विंडो का सेकेंड पेज है, बाइक की इमेज है। और इसको मैं अभी ऐसे रखता हूँ नॉर्मल, तो ये मेरा सेकेंड पेज हो गया है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से हम न्यू पेज बना के और अपडेट कर सकते हैं उसको नंबर में। ऐसी तरह से आप एक पेज और बना लें उसका, और इसका कर दें विन पेज, पेज 2 यहाँ हो गया। यहाँ पे भी आप कोई चाहते हैं कोई इमेज तो लगा सकते हैं। आप पूरा अपना पेज रेडी कर लिएगा जो भी आपका हो, तो ये तो मैं आपको वीडियो बनाने के चक्कर में इसलिए आपको ये इमेज डाल के दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरी तरह से पेज बनाता। तो ये मैंने कर लिया है, तो ये मेरे पेज 2 के अंदर ये वाली वीडियो आ गई है, वो सॉरी इमेज आ गई है, ये एरोप्लेन वाली और क्लाउड वाली। तो ये मेरे दो पेज रेडी हो गए, और एक जो है वो विंडो का था, मैंने आपको दिखाया था विंडो के अंदर मैंने कर लिया है, ये विंडो का है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा ये हैशटैग की जगह, ये मेरा जो विंडो का पेज है वो मैं यहाँ पर डालूँगा, विंडो का पेज मेरा ये था,
ये वाला मैं यहाँ जाऊंगा तो ये देखिए ये लिंक आ गया यहाँ पे, और ये जो पेज मैं डाल रहा हूँ ये पेज मैं डालूंगा यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे पेज जो मेन पेज है वो मैं यहाँ डालूंगा जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला जो शो कर रहा है यहाँ पे ये वाला, और जो मैंने सेकेंड एक जो बनाया है वो यहाँ डालूंगा इमेज वाला बाइक का जो था, और दूसरा जो क्लाउड एरोप्लेन वाला था वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो कैसे डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जो मैंने ये हैशटैग जो है वो मैंने करा है उसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। और इसी तरह से आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे आपने जो पेज बनाया पेज वन आप यहाँ व्यू कर लेंगे, और पेज टू भी आप यहाँ पे व्यू कर लेंगे। तो पेज वन आप लेंगे यहाँ से पेज वन का लिंक, विंडो पेज वन यहाँ लेने के बाद आप पेज वन यहाँ पे ये हैशटैग है इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे हैशटैग की जगह, और आपका जो सेकंड पेज आ रहा है विंडो का वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, आपका जो भी हो वो कर लिएगा, मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाई है ये। तो ये हैशटैग की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरे दो पेज हो गए हैं, और ये मेरा जो लास्ट पेज है सेकंड पेज है वो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, तो ये मेरा लास्ट पेज हो जाएगा। जब आप थ्री पेज बनाए तो यहाँ पे आपका थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री जो है वो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दिएगा इसको, सेकंड पेज को हटा दिएगा। तो ये देखिए मैं आप यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद आपको दिखाता हूँ ये विंडो का, विंडो के ये नीचे पेज आ गए होंगे और ये तीनों बार कर रहे होंगे। देखिए मैं आपको पेज सेकंड दिखाता हूँ, क्लाउड वाला एरोप्लेन की इमेज थी ये, देखिए ये है, और आप यहाँ देख रहे होंगे अभी यहाँ पे पेज नहीं आ रहा होगा। और ये आपको मैं दिखाता हूँ फर्स्ट वाली बाइक की थी, सॉरी ये रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ जाएंगे आप विंडो पे, तो फर्स्ट जो पेज है वो उसमें बाइक की इमेज आ रही थी, सेकंड में एरोप्लेन की थी, तो ये देखिए बाइक की इमेज आ रही है। अब यहाँ पे पेज नहीं आ रहे, कैसे आप लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए मेन पेज जो विंडो का पेज था आपका, ये विंडो का पेज जो था मेन जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम किया था, तो यहाँ पे आप जाएंगे इसको और यहाँ जाके इतना पूरा कॉपी कर लिएगा HTML क्लोज तक। यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये जो पेज वगैरह थे यहाँ पे इसको आप ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ बिल्कुल लास्ट में जाके आपको ये पेस्ट कर देना है। ये मैंने इस पे कर दिया है पेस्ट, ये विंडो वन है, अब विंडो टू पे भी मैं ये ओपन करूँगा और यहाँ लास्ट में जाके वही वाला पेस्ट कर दूँगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, और अब आप देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, अब ये पेज ओपन होंगे। फर्स्ट पेज ये होम पेज हो गया विंडो का जो मेन पेज था ये वाला, सेकंड पेज बाइक वाली इमेज थी, और ये फर्स्ट पेज जो है बाइक वाला है, और ये जो है एरोप्लेन वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये एरोप्लेन का आ गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक वाला, तो ये बाइक वाला आ गया। आप चाहते हैं फर्स्ट पेज आपका जो विंडो का जिसमें थी आपकी, तो ये विंडो की आ गया है, देखिए ये सब विंडो के आ गए। यहाँ से आप जाते हैं तो आप लास्ट पेज पे चले जाएंगे, तो ये लास्ट पेज आपका सेकंड वाला था तो मैंने लास्ट पेज दे दिया ये जो एरोप्लेन का था। तो ये सब वर्क करेंगे अब आपके, तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, और इससे पहले जो वीडियो बताई है उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, तो वो आप देख सकते हैं मेरा, ये मैंने खाली सिंपल पेज का बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके अंदर मैंने बहुत बनाई है इसके बारे में, ब्लॉग के बारे में, बिगनर के लिए किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हैं। थैंक यू गाइस।